हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ डॉक्टर आलरिका। वेलकम टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने कुछ हेल्थ इश्यूज़। सो चलिए शुरू करते हैं मेरी इन्फॉर्मेटिव बातचीत। सारे टेस्ट करवा लिए, कुछ भी नहीं निकला, फिर भी भूख ही नहीं लगती, खाना खाने का मन ही नहीं होता। खाना खाने का मन होता भी है, लेकिन दो या तीन निवाले खाने के बाद ही आपका मन उब जाता है। ये प्रॉब्लम बच्चों को, बड़ों को, सभी को हो सकती है। लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों होती है? देयर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ एनोरेक्सिया। जी हाँ, इस जो लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर जो खाना खाने का मन नहीं है, इसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं एनोरेक्सिया। तो इसका बहुत सारे कॉजेज हैं, तो उनमें साइकोलॉजिकल कुछ कॉजेज भी है, जैसे कि एंगर, फियर, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सारे कॉजेस हो सकते हैं। और इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम, जो कि नेचुरल है, भूख नहीं लगती या फिर खाने खाने का मन नहीं होता, खाना खाने जाते ही उसको नौजिया फील होता है, वॉमिटिंग की टेंडेंसी होती है, या फिर बच्चों को अगर वर्म इन्फेस्टेशंस है, यानी उनके पेट में अगर कीड़ा हुआ है, उस समस्या के कारण भी ये हो सकता है। ड्यूरिंग पीरियड्स इन गर्ल्स एंड वीमेंस इट हैपेंस। आफ्टर मेनोपॉज वीमेंस में, महिलाओं में ये प्रॉब्लम दिखाई देती है, और ओल्ड पीपल्स में भी ये प्रॉब्लम दिखाई देती है, बिकॉज ड्यू टू द लो मेटाबॉलिज्म दे कैनॉट डाइजेस्ट द फूड दे ईट, एंड फॉर दैट रीजन ही और शी ऑलवेज फीलिंग फुल। इरेगुलर अनहेल्दी लाइफ एंड डाइट, इससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ सर्टेन मेडिकल कंडीशंस से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू ओवरकम इट इफ देयर इज नो अदर अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस और डिजीज। नाउ हियर आई टेल यू द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन ऑफ एनोरेक्सिया और लॉस ऑफ एपेटाइट। सो नंबर वन इज एंटीन क्रूड। ये मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सिम्टम है वो कुछ इस तरह है कि भूख तो उसे नहीं लगेगी, लेकिन उसे कौन सी चीज़ें खाने का मन होगा, उसे कुछ एसिडिक थिंग्स जैसे कि आचार, चाट, नींबू, सारे खट्टे चीज़ें खाने का उसे बहुत ही मन होगा, और उसके वजह से उसे एसिडिटी हो जाएगी, और उसके कारण उसे हमेशा भूख ना लगने की एक समस्या बरकरार रहेगी, और उसे बहुत ही डकार आएगा, और हमेशा मुँह में एक डकार का जो टेस्ट है वही बरकरार रहेगा, उसके जीभ में वही टेस्ट उसे फील होगा, और जो उसका जीभ है यानी जो टंग है वो बिल्कुल थिकली वाइट कोटेड होगा, यानी एकदम मोटी, एकदम परत होगी वाइट कलर की। नंबर टू है चाइना। ये बहुत ही हेल्पफुल है अगर आपको किसी भी वजह से आपका हंगर है, आपको भूख है, लेकिन आपको खाना जब खा रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा, अंदर नहीं जा रहा, यानी हंगरी बट विदाउट एपेटाइट। नंबर थ्री है फेराम फॉस। यहाँ पे हमेशा एक खट्टा डकार उसको आएगा, सवर इरेक्टेशंस, एंड उसके साथ वो बिल्कुल ही मीट एंड मिल्क पसंद नहीं करता है। नंबर फोर है इग्नेशिया अमाड़ा। इग्नेशिया, ये मेडिसिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर उसको कुछ भी खाने का मन नहीं होता, कोई भी ड्रिंक्स नहीं, कोई भी फूड नहीं, कुछ भी खाने का उसे मन नहीं है, कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल है। नंबर फाइव है लाइकोपोडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। यहाँ पे सिम्टम्स कुछ ऐसे है कि पेशेंट को हमेशा गर्म, बिल्कुल एकदम गर्म खाना पसंद है, और ठंडा खाना उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं, यानी एकदम चूल्हे से उतार कर जो खाना जो है, गर्म जो है, धुआं निकलता हुआ, ऐसा खाना उसे पसंद है, और वो थोड़ा बहुत उसको भूख लगता है, लेकिन एक या दो निवाला खाने के बाद ही उसका मन उब जाता है, वो उसे लगता है कि मेरा पेट बिल्कुल फुल हो गया है, बिल्कुल हेवी हो गया है, अभी तो मुझे कुछ खाना ही नहीं है। नंबर सिक्स है नागस्पूर्णिका। यहाँ पे पेशेंट के मुँह में हमेशा एक बिटर टेस्ट
उसे फील होगा, और उसके जो टंग है वो टंग के अंदर एक येलो कलर का एक कोटिंग होगा, यानी पीला कलर का एक पतला सा एक परत होगी उसके जीभ के अंदर टंग में। नंबर 7 है रास्ट्रक्स। यहाँ पे पेशेंट कुछ भी खाना नहीं चाहेगा, सिर्फ उसे मिल्क चाहिए, यानी सिर्फ दूध खाने में उसे इंटरेस्ट है और कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता। नंबर 8 है सैंगुनरिया। ये बहुत ही एक मज़ेदार सिम्टम्स है यहाँ पे कि पेशेंट को गोलगप्पे, चॉकलेट, पेस्ट्री, आइसक्रीम, ये सारे चीज़ें बहुत ही पसंद है, उसे बहुत ही चाह है इस सारी चीज़ों को खाने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी राइस, ब्रेड, ये सारी चीज़ें नहीं खाना चाहता। नंबर 9 है थूजा। यहाँ पे भी एपेटाइट कम्प्लीटली लॉस्ट है, बिल्कुल भी कोई भूख नहीं है, और स्पेशली कुछ भी फैटी फूड्स वो नहीं हज़म कर पाता। कोई भी फैटी फूड्स खाने से उसे बहुत ही एसिडिटी फॉर्म हो जाती है, उसका मुंह बिल्कुल खट्टा हो जाता है, इरप्टेशंस यानी डकार आना शुरू हो जाता है, और स्पेशली ऑनियंस यानी प्याज, इस पोटैटो, ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी खा नहीं पाता, उसको खाने से ही उसको बिल्कुल एसिडिटी फॉर्म हो जाता है। नंबर 10 है एक बहुत ही अच्छा सा कंपोजिशन, 2 होम्योपैथिक मदर टिंचर्स की, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है इस एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम के लिए। वो 2 मदर टिंचर क्या है, अल्फा अल्फा मदर टिंचर एंड जेंटियाना मदर टिंचर। ये 2 10+10 20 ड्रॉप्स हाफ कप ऑफ वाटर में दिन में 2 बार खाने से पहले बिफोर मील आपको लेना है, और इससे लेने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो ये एनोरेक्सिया का प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम हो गया है। सो टुडेज वीडियो इज दैट मच। अगर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियोज़। सो स्टे हेल्दी एंड फिट।